लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में बड़ा सियासी खेल हुआ है। बिहार की राजनीति में दिग्गज राजनेता सुशील कुमार मोदी भाजपा के मार्गदर्शक मंडल में चले गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे को सक्रिय राजनीति से संन्यास दे दिया गया है, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन के साथ साजिश हो गई है। जी हाँ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तीनों दिग्गज नेताओं की टिकट काट करके ये संदेश दे दिया है कि आगे आने वाले भविष्य में इनके लिए मुश्किलें हो सकती हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से सुशील मोदी और शाहनवाज हुसैन को यहाँ पर दरकिनार किया गया है, उसके बाद शाहनवाज हुसैन काफ़ी नाराज नज़र आ रहे हैं। पार्टी से इस झटके को सहन करने की क्षमता भी नहीं रख पा रहे हैं शाहनवाज हुसैन। ऐसे में शाहनवाज आने वाले वक्त में आरजेडी के साथ मिलकर के चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तमाम सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं। बिहार में उनकी मौजूदगी काफ़ी लंबे समय तक देखी गई है और ऐसे में शाहनवाज हुसैन को साइड करके यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने यह संदेश दे दिया है कि आगामी वक्त में उनका सियासी भविष्य अब ज्यादा दिनों तक उज्जवल नहीं रहने वाला है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करने में यहां पर हुंकार भर रही है, जबकि दिग्गज नेताओं का टिकट काटा जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी से टिकट जरूर कट गई है, लेकिन मेरी आस्था में कोई बदलाव नहीं है और मैं पार्टी का सिपाही हूं। यह पार्टी जाति धर्म को देखकर भेदभाव नहीं करती और फिलहाल मैं दिल्ली में हूं, बिहार की 40 सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए भी जाने वाला हूं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि शाहनवाज हुसैन को स्टार प्रचारकों की सूची में भी शामिल नहीं किया गया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने यह साफ तौर पर देख लिया है कि शाहनवाज हुसैन अब आने वाले वक्त में उनके कैडर के लिए उतने मजबूत कद्दावर नेता के तौर पर साथ नहीं रह सकते हैं। ऐसे में उन्होंने शाहनवाज हुसैन को पार्टी से साइडलाइन कर दिया है। शाहनवाज हुसैन भागलपुर सीट से चुनाव लड़ते थे और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से उन्हें उम्मीद थी कि एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से पार्टी ने चुनावी एजेंडे के तहत उनकी टिकट काटी है, उस आधार पर अब सियासी भविष्य में लटकता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।